आप फिल्में क्यों देखते हैं? टाइम पास के लिए या अपने फेवरेट हीरो हीरोइन के लिए, या फिर फिल्मों को एक पीस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के तौर पर इंटरप्रेट करने के लिए, चर्चा विचार करने के लिए, कुछ अर्थ निकालने के लिए? अगर आप ये वाली कैटेगरी हैं तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही काम का आइटम लेकर आए हैं आपके लिए। स्टार फैंस कैटेगरी, आपका काम भी निकल ही आएगा। और वो टाइम पास वाली कैटेगरी, आपके पास तो बहुत टाइम है पास करने के लिए, तो आप तो कहीं भी मत जाइएगा, बताए दे रहे हैं, चिपक के बैठे रहिए इधर ही। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बॉलीवुड ऑन एन एवरेज एक साल में 1000 मूवीज बनाता है, जो कि हॉलीवुड का दुगना नंबर है। अब ऐसी कितनी ही फिल्में आती हैं, चली जाती हैं। कुछ फिल्में हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं दर्शक, प्रशंसक, आलोचक सभी पर। कभी सोचा है आपने कि जाने वो कैसी फिल्में थी जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले? हम सोचे हैं ना, और लाए भी हैं टोटल रिसर्च करके। शुरू से शुरू करेंगे, जब से बॉलीवुड में नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, तब से। सो कहानी, संगीत, डायलॉग, डायरेक्शन एंड ऑफ कोर्स अदाकारी, इन पांच परफेक्ट तत्वों से मिलकर बनती है एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म। रेड एफएम से मैं हूं वसुंधरा, और मैं आपके लिए लेकर आई हूं द बॉलीवुड अवार्ड विनिंग मशीन एंड बिहाइंड द सीन्स, जिसमें कि बॉलीवुड की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स के इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, उन पे गौर फरमाएंगे। आई कैन सी इट, मजा आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? रेड एफएम